मरकुस 4 अध्याय 26, 27, 28, 29। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बाल से तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हँसिया लगाता, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आमीन। परमेश्वर का राज्य जानते हो कैसा है? परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि एक किसान जब बीज लेकर के जमीन में जब बोता है और जमीन में जब छींटता है, वो सोता है जाकर और अगले दिन उठता है और क्या देखता है कि जो बीज मैंने जमीन में बोया था, सुनना ध्यान से, जो बीज मैंने जमीन में बोया था ना, वो जमीन में, अब वो जमीन से, वो बीज जमीन से बाहर आकर अंकुरित हो गया है। अब किसान से पूछे, ये कैसे हुआ? तूने कल बीज बोया और अभी ये बीज अंकुरित हो गया है, अब ये फसल हो गया है, ये कैसे होता है, कौन करता है? किसान बोलता है, मैं भी नहीं जानता, मेरा काम केवल बीज बोना रहता है। लेकिन बीज एक बार जमीन में चला गया, उसके बाद मेरा काम नहीं होता, उसके बाद में बीज का काम होता है, जमीन का काम होता है, और उसके पहले उसको उगाने वाला, उसको अंकुरित करने वाला मेरा परमेश्वर का काम होता है। अरे एक किसान जमीन के अंदर में बीज बोता है और वो बीज अंकुरित हो जाता है, फसल बन जाता है, किसान नहीं जानता कैसे होता है ये। वो इतना जानता है कि मेरे को जमीन में बीज बोना है और बीज अंकुरित होगा और फसल आएगी, मैं काटूंगा और धान आएगा, गेहूं निकालूंगा, चावल निकालूंगा, मार्केट में बेचूंगा, 4 पैसे मेरे को मिलेंगे। लेकिन वो उसकी तह तक, उसकी गहराई तक नहीं जाता, उसको नहीं मालूम मैं बीज बोता हूं तो आखिर वो बीज कैसे अंकुरित हो जाता है, कैसे पौधा बन जाता है, कैसे पेड़ बन जाता है, ये काम होता कैसे है, नहीं जानता। एक बीज मां के गर्भ में जाता है और वो बीज कैसे हाथ पैर मुंडी और पूरा शरीर एक मनुष्य कैसे बनता है, लोग नहीं जानते इसको, डॉक्टर भी नहीं जानते। हाँ डॉक्टर बोलते हैं, हाँ अभी सर बन रहा है, हाँ अभी पांव बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे, वो ऐसे 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 वो स्पर्मेटोजोआ गया, फिर ऐसे लड़ाई किया, फिर ये किया, फिर वो किया, कोई नहीं जानता कैसे नस बनता है, कैसे हड्डी बनती है, कैसे मांस बनता है, लोग नहीं जानते। लेकिन गर्भ के अंदर में बाइबल का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर सबके घर, सबके गर्भ के अंदर में हड्डी बनाता है, मांस बनाता है, नस बनाता है, एक बच्चे को बनाता है, डॉक्टर भी नहीं जानते ये कैसे होता है। ये परमेश्वर का राज्य है। आप नहीं जानते मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में आप जो बोते हो ना, वो कैसे उगता है आपके लिए, वो कैसे अंकुरित होता है आपके लिए, वो कैसे आपके लिए आशीष के फसल लाता है, आप नहीं जानते। आप कब जानते हो मालूम है? जब आपको आशीष मिलनी शुरू हो जाती है, जब आप आशीष की कटनी काटना शुरू कर देते हो, आशीष की कटनी। आप कर क्या रहे हो मालूम है? क्या कर रहे हो आप? अपने समय का बीज बो रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर क्या रहे हो? कई लोग अपना जॉब छोड़कर आए हैं, कई लोग अपना बिजनेस छोड़कर आए होंगे, कई लोग अपना घर छोड़कर आए होंगे। आप क्या किए? आप बीज बोकर आप यहाँ पर बीज बोए हो आकर के। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, वो क्या है? प्रार्थना का बीज बोना है। जब हम आराधना करते हैं ना, वो क्या है? वो परमेश्वर के राज्य में आराधना का बीज बोना है। आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी ध्यान से, जब तक आप बीज नहीं बोओगे तब तक परमेश्वर उस बीज को अंकुरित नहीं करेगा और वो पौधा नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा, या वो गेहूं और चावल की फसल नहीं आएगी, जब तक आप बीज नहीं बोओगे। खुल करके एक बात समझाता हूं, पति और पत्नी, पति और पत्नी के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, जब तक आदम हव्वा के पास नहीं गया और आदम और हव्वा का शारीरिक संबंध नहीं बना, जब तक आदम के द्वारा हव्वा के अंदर में बीज नहीं गया, तब तक खुदा ने उस बीज को एक बच्चे का रूप नहीं दिया, एक बच्चे को डेवलप नहीं किया गर्भ के अंदर में। आपको मालूम है इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? तू मेरे निकट आ तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा। आपको मालूम है अगर परमेश्वर से आशीष लेनी है तो पहल आपको और मेरे को करनी होगी, हमको पहले बीज बोना होगा, तब परमेश्वर हमारे बोए गए बीज को अंकुरित करेगा और वही अंकुरित बीज एक दिन गेहूं की फसल बन जाएगी, चावल की फसल बन जाएगी, आम का पेड़ बन जाएगा, जाम का पेड़ बन जाएगा, और फिर होगा क्या? होगा क्या? कोई और नहीं खाएगा, परंतु हमने जो बोया ना, हमने जो बोया वो फसल हुआ, उसको कोई और नहीं खाएगा, हम खुद खाएंगे, हम खुद कटनी करेंगे, हम खुद आम तोड़ के खाएंगे, जाम तोड़ के खाएंगे, हम खुद फसल में हसिया लगाएंगे, वो चावल हमारा होगा, वो गेहूं हमारा होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
एक किसान अगर बीज ही ना बोए अपने खेत में और उम्मीद करे कि प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर मेरे खेत में फसल आ जाए तो प्रभु क्या बोलेगा, प्रभु क्या बोलेगा, प्रभु बोलेगा कि तेरे पास वचन नहीं है, तू मूर्खता वाली प्रार्थना कर रहा है मेरे से। अरे तू बीज तो बो, तब तेरे उस बीज को मैं अंकुरित करूंगा, फसल बनाऊंगा, पौधा बनाऊंगा, पेड़ बनाऊंगा और तू उसकी फल को खाएगा। अरे बीज तो बो, आपको प्रार्थना का बीज बोना होगा तभी आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। बाइबल में लिखा निरंतर प्रार्थना करते रहे कि तू परीक्षा में ना पड़े। आप प्रार्थना का बीज बो ना, आप परीक्षा में नहीं पड़ोगे। आप यहां पर समय का बीज बो रहे हो, समय का बीज जो बो रहे हो ना आपको खुद नहीं मालूम चलेगा। आप यहां पर बैठ करके जो बीज बो रहे हो वो कब आपके लिए अंकुरित हो जाएगा और कब वो फसल आएगी आशीष की। और एक समय ऐसा आएगा आप आशीष की फसल काटने लगोगे और तब आप बोलोगे अरे यार मैं चर्च जाती थी, जाता था, वहां बैठता था, आराधना करता था, वचन सुनता था और देखो आज मेरा जीवन फलवंत हो चुका है, आज मैं आशीषित हो चुका हूं, आज मैं सफल हो चुका हूं, आज मैं संपन्न हो चुका हूं। क्यों? क्योंकि मैं डेली हर संडे जाता था, हर बुधवार जाता था और मैं अपने समय का बीज बोता था।